टॉयलेट्स एंड किचन वास्तु में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, आपके घर में हर चीज सही डायरेक्शन में, आपका घर बहुत अच्छा, इवन प्राण एंड जैविक ऊर्जा भी आपके घर की बहुत अच्छी है, मतलब आप ये समझ लीजिए सब चीज बहुत अच्छा है। बट यदि आपके घर में टॉयलेट या फिर वॉशरूम या फिर किचन यदि गलत डायरेक्शन में, तो आपको लाइफ को वर्स्ट कर देगा। लिटरली आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई रियली मीन इट। आपकी लाइफ वर्स्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है, अब उसका लॉजिक और उसका रीजन समझिए। देखिए, यदि बात कर लेते हैं टॉयलेट्स की या फिर वॉशरूम की, टॉयलेट में हम क्या काम करते हैं, टॉयलेट में हम डिस्पोज ऑफ का काम करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है ना, चलता है क्या, वॉशरूम में हम क्या करते हैं भैया, गंदगी को निकालते हैं। अगर नहाने का भी देख ले तो एक क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। अगर टॉयलेट का भी बात कर ले तो वहां पर अब हम मतलब गंद को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ से हटा रहे हैं। तो टॉयलेट का जो मेजर एक्टिविटी है वो डिस्पोज ऑफ का है। अब यदि टॉयलेट आपके किसी अच्छे और बहुत अच्छे डायरेक्शन पे आ जाए, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वो डायरेक्शन की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ से डिस्पोज ऑफ हो सकती है। सेम वैसे किचन, किचन यदि देखिए, किचन का मेजर एट्रीब्यूट क्या भैया, किचन में हम क्या करते हैं, किचन के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर डालते हैं। किचन में अच्छा खाना भोजन बनता है, वो हम खाते हैं, हम स्वस्थ उससे रहते हैं, हमारा माइंडसेट उस पर डिपेंड करता है। और किचन का क्या एक वेटेज वाला काम है, वेट है। तो किचन भी यदि आपके किसी प्रॉपर अच्छे डायरेक्शन पे आ जाए, जहां उसे नहीं रहना चाहिए, तो उस डायरेक्शन के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको मिलने का हो जाएगी। अब थोड़ा सा प्रिसाइजली से हम समझते हैं कि इसकी अच्छी डायरेक्शन कौन सी है, कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। ये आपका सोच लीजिए, ये ब्रह्मस्थान है, ठीक है, ये दोनों में ब्रह्मस्थान मैंने डिनोट कर दिया, जो सेंटर पॉइंट है वो। आप अपने घर के पीछों बीच खड़े हो जाइए और डायरेक्शन मार्क कर दीजिए। ये हो गया अपना नॉर्थ, हो गया ये साउथ, हो गया ये, हो गया वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। ये दोनों अच्छा अलग अलग है ना, ये दोनों को मिलाइए मत। ये नॉर्मल मैंने शो किया डायरेक्शन, और उसी को थोड़ा प्रिसाइज वे में कलर के साथ मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब एक चीज समझिए कि भैया टॉयलेट, लेट अस सपोज, हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स अपने अलग अलग है। सोचिए टॉयलेट आपका आ गया नॉर्थ डायरेक्शन पे, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन का मेजर मतलब मेजर एट्रीब्यूट्स क्या लेता है, अपॉर्चुनिटीज को लाना, नए अपॉर्चुनिटी देना, लाइफ को ग्रोथ देना। एट द टाइम आपका टॉयलेट या फिर आपका वॉशरूम नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, आपके लाइफ में ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आना खत्म हो जाएगी। यदि आपका टॉयलेट या वॉशरूम ईस्ट डायरेक्शन पे आ जाता है, तो क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है, सोशल कनेक्टिविटी बनाता है। डायरेक्शन जो ईस्ट रहता है आपको सोशली मतलब लोगों से कनेक्ट करवाता है। एट द टाइम ईस्ट डायरेक्शन पे आपका टॉयलेट आ जाएगा, वॉशरूम आ जाएगा, आपके लाइफ से कनेक्टिविटी खत्म होने लगेगी। वैसा ही हर डायरेक्शन के अपने, आप जैसे सोचे कि साउथ ईस्ट पे आ गया, भैया पैसे कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे आपके पास, पैसे का रोलिंग होगा ही नहीं। क्यों भैया, फायर की जोन है, फायर की जोन में वॉशरूम आ जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ डायरेक्शंस रहते हैं जिसमें कुछ क्या मैक्सिमम डायरेक्शन रहता है जिसमें स्पेशली टॉयलेट बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, मैंने आपको बताया कि उस चीज की एक्टिविटी ही डिस्पोज ऑफ की है। और नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट आ गया, तो भैया उसको फड़वा दो, शिफ्ट करवा दो, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज बोल रहा हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट लोगों को कैंसर तक की बीमारी दे सकता है, मतलब आप खुद अंदाजा लगा दीजिएगा। 90% ऑफ द केसेस में जिसके नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट रहता है या फिर किचन रहता है, उसको चांसेस है कि उसके घर पे या तो कैंसर हुआ होगा या तो कैंसर होने वाला होगा। तो भैया यदि नहीं हुआ है तो प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, शिफ्ट कर दो या फिर ट्रीट कर दो। वैसे नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडीज उतनी ज्यादा काम नहीं आती है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके वॉशरूम टॉयलेट या फिर इस टाइप का कुछ भी चीज है ना, तो शिफ्ट कर दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे कि ये होता हो गया टॉयलेट का, अब बात कर लेते हैं टॉयलेट के लिए या फिर वॉशरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। पहला जो होता है वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ साउथ वेस्ट बेस्ट क्यों है टॉयलेट के लिए, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट वास्तु के हिसाब से भी डिस्पोज ऑफ का जोन है, वहां एक्टिविटी डिस्पोज ऑफ की होनी है। तो भैया टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बाथरूम बनाना है, बाथरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्यों है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट बाथरूम के लिए, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से क्लीनिंग के जोन है। बाथरूम में भी हम क्लीन ही करते हैं खुद को, तो वो बेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे करके हमें अपने टॉयलेट को देखना है भैया कि यदि गलत डायरेक्शन में है तो उसे शिफ्ट करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम दे सकता है। अब जैसे साउथ वेस्ट में यदि आपके टॉयलेट आ जाए, तो आपके रिलेशनशिप खराब होने लगे कि किसी के भी साथ, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके कलीग हो, किसी के भी साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने लगेंगे। क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो बॉन्डिंग की जोन है। तो ये हो गया टॉयलेट का बात। अब बात कर लेते हैं हम किचन की। देखिए किचन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किचन का जो बेसिकली सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना गया है वो है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन। क्यों इसे बेस्ट डायरेक्शन माना गया, क्योंकि भैया ये जोन ही है फायर की। देखिए आप देख भी सक रहे होंगे रेड रेड कलर है, ये फायर को डिनोट कर रहा है। किचन में मेजर एक्टिविटी क्या होता है, फायर का होता है।
तो यदि आपका इन तीनों में किचन है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है बल्कि वो चीज। अब इसके अलावा कुछ और डायरेक्शन है जहां पर किचन कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, अदरवाइज जैसे आप फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट का किचन मैंने बताया शिफ्ट करवा दो, बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। अब जैसे कई लोग का वेस्ट का किचन भी कई लोग को सूट करता है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड, देखिए इन जनरल ये तीनों डायरेक्शन सबको सूट करता है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट का किचन वाकई में वेस्ट है, बट नॉर्थ ईस्ट का किचन जो कंसल्टेंट रहता है, एज आई टोल्ड यू रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, यदि आपका प्रोफेशन पे डिपेंड रहता है, जैसे जो कंसल्टेंट रहते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट का किचन बहुत ज्यादा सूट करता है, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन तो बेस्ट है ही, जिनको गेंस चाहिए रहता है, खाना हेल्दी चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए रहता है, जो ये चाहते हैं कि खाना भैया पौष्टिक बने, वो वेस्ट पे किचन शिफ्ट कर दो, उनको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, बाकी आइडियली जो किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन माना गया है वो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन माना गया है। इनके अलावा यदि आपका किचन किसी और डायरेक्शन में आता है तो प्रॉब्लम कर सकता है। आप जैसे कि सोचिए नॉर्थ डायरेक्शन में किचन आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम कैसे करेगा, क्योंकि एक्चुअली द थिंग इज दैट नॉर्थ डायरेक्शन है वाटर का जोन, वाटर एलिमेंट का जोन है, किचन में एक्टिविटी किसकी चल रही है, फायर की चल रही है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। एक और छोटा सा मिथ्स किचन के मैं ये दूर करना चाहूंगा, लोग बेसिकली बोलते हैं कि किचन में जहां पर आग रहता है वहां पर पानी नहीं रहना चाहिए। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, किचन में जो मेजर रोल प्ले कर होता है किस चीज का होता है, वो जो आपका गैस या फिर बर्नर कहाँ रखा है, इसके अलावा किचन आपका बर्नर किस जोन में, यही मेन मायने रखता है। बाकी नल वगैरह उतना बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, भैया पानी है वो तो थोड़ा बहुत आएगा ही ना, तो उससे कोई इशू नहीं करता है। फायर आपकी कहाँ जल रही है, आपका स्टोव या फिर गैस या फिर फायर की एक्टिविटी कहाँ हो रही है, ये मायने रखता है। तो आप अपने किचन का ये चेक करिए कि भैया जो गैस रखा हुआ है, जो बर्नर है, जहाँ जिससे आप फ्लेम जला रहे हो, वो किस जोन या किस डायरेक्शन पे आता है। इन तीनों पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ डायरेक्शन है जिन पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जैसे साउथ साउथ वेस्ट, भैया जिसके साउथ साउथ वेस्ट में किचन आ जाएगा ना, वो हमेशा बीमार रहेगा, उसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे डायरेक्शन है, एज आई टोल्ड यू वो आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी आइडियली जो डायरेक्शन है वो भी मैंने बताया, टॉयलेट के लिए भी बताया, वॉशरूम के लिए भी बताया, प्लस मैंने किचन के लिए भी बताया। तो आप जाइए और इसे चेक करिए, अगर किसी का गलत डायरेक्शन पे है तो इस पर बहुत जल्दी रेमेडीज और ट्रीटिंग के भी हम रेमेडीज लेकर आएंगे।